डियर स्टूडेंट्स uh, मुझे क्रिएटिविटी ऑफ लिंग्विस्टिक्स के जो तो, के टॉपिक पर आपसे बात करनी है एनी स्पीकर एनी ह्यूमन लैंग्वेज कैन प्रोड्यूस एंड अंडरस्टैंड लॉट ऑफ वर्ड्स लॉट ऑफ सेंटेंसेस और इन 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 लामहदूद नंबर ऑफ सेंटेंसेस by using in uh, finite principles finish finite set of the rules to produce infinite number of sentences uh, correctly grammatically correct sentences the system of uh, rules explains how speakers can use a uh, fixed set of rules to produce uh, endless limitless sentences which should be uh, grammatically correct and these sentences these uh, knowledge this knowledge may be stored in the uh, a small or limit स्पेस ऑफ ह्यूमन ब्रेन द रूल्स ऑफ सिंटैक्स परमिट्स ह्यूमन बींग यानी जो ग्रामर के रूल्स हैं वो ह्यूमन uh, बींग्स को ये अलाउ करते हैं कि वो बहु, वो न सिर्फ अंडरस्टैंड करे बल्कि बनाए लिमिटल एंडलेस सेंटेंसेस उन महदूद प्रिंसिपल्स के आप ये देखें कि लैंग्वेज जो है लैंग्वेज में आ, उन उनको उन प्रिंसिपल्स की मदद से ही हम साउंड्स फिर वर्ड्स फिर सेंटेंसेस उनको कंबाइन करते हुए हम लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हैं हम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम अपनी दूसरों को अपनी अपनी बात कन्वे कर सकते हैं या दूसरों की जो कन्वे की हुई बात उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो ये सेंटेंसेस इतनी तादाद में होते हैं जो इससे पहले ह्यूमन बीइंग्स ने नहीं सुने होते मतलब ये है कि हम ग्रामर के रूल्स को यूज़ करते हुए लिमिटलेस या एंडलेस सेंटेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं तो क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लिंग्विस्टिक नॉलेज हैव वेरियस मीन्स यानी उसके बहुत से ज़रा हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हुए वो लैंग्वेज के में नई नई फॉर्म्स या नई नई जहतें या नए नए सेंटेंसेस लॉन्गर और लॉन्गर सेंटेंसेस वो क्रिएट कर सकता है वो बना सकता है तो क्रिएटिविटी मसला आप एक ही टॉपिक पर एक अगर आपने वंस यू मेड अ सेंटेंस वंस तब उसी सेंटेंस में को आप कुछ थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा चेंज करके उसमें कुछ और आप इजाफा कर सकते हैं तो लैंग्वेज की ये क्रैक्ट्रिस्टिक यानी क्रिएटिविटी ऑफ लिंग्विस्टिक में ये सलाहियत है कि आप अपनी लैंग्वेज के ज़रिए उसमें आप बेशुमार उसकी वर्जन बना सकते हैं आप फ्रेज़ेस बना सकते हैं आप सेंटेंसेस बना सकते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ये जो लेंग क्रिएटिव आस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है यही ह्यूमन बींग्स को काबिल बनाता है कि वो थी सेंटेंसेस या लेंथ या कॉन्सेप्ट्स को वो एक्सप्लेन कर सके एक्सप्रेस कर सके वी कैन एक्सप्लॉट आवर, द रिसोर्स ऑफ आवर लैंग्वेज एंड ग्रामर टू एक्सप्लाइट यानी ये, ये कि दरियाफ करना हम उनको डिफरेंट अंदाज से यूज करना टू प्रोड्यूस काउंटलेस नंबर ऑफ सेंटेंसेस। और बाय यूजिंग फिक्स्ड नंबर ऑफ़ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इस जिनकी मदद से हम लैंग्वेज की और उसमें हम डिफरेंट डाइमेंशंस को उसको यूज़ करते हुए मसलन अगर हम देखें कि हम वर्ब के साथ अगर हम एडवर्ब यूज़ करें तो तो पहले सेंटेंस की मीनिंग्स बदल जाते हैं इसी तरह प्रोनाउन है अगर प्रोनाउन बोलता है यानी पहले नाउन uh, असलम राइट अ लेटर ठीक है असलम राइट अ लेटर अब जब दोबारा हम उसको हम असलम नहीं लिखेंगे ही राइट्स अ लेटर अब ये देखें कि उसके जो प्रोनाउन की वजह से थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन की वजह से उसके आगे वर्ड वर्ब में भी मीनिंग चेंज हो गए या वर्ब में हम हम फर्स्ट पर्सन थर्ड परसन सिंगुलर नाउन के साथ हमने वर्ब्स की फर्स्ट फार्म के साथ एस का इजाफा किया तो क्या मतलब है कि हम देखें इस ये क्या है ये क्रिएटिविटी है ये लैंग्वेज का एक क्रिएटिव पहलू है जिसमें सेंटेंसेस uh, को को हम ऐड कर सकते हैं हम उसको नए अंदाज़ से हमें हम, uh, बता बना कर हम उसमें ख़ूबसूरती पैदा कर सकते हैं हम उसमें उसके मीनिंग्स में वसत पैदा कर सकते हैं और ये हम लिमिटलेस रेंज पैदा कर सकते हैं उनकी उनकी आइडियाज़ की एंड इमोशन्स की और आप ये जहन में रखें कि हमारा जो ब्रेन कैपेसिटी है वो लिमिट है अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो है अगर हम उसको स्टडी करें तो वो हमें बताता है कि किस तरह इंसानी ब्रेन जो है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है अब उसमें पहले जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसकी जो इंफॉर्मेशन जाती है और जो इंफॉर्मेशन इन ह्यूमन ब्रेन ये डिसाइड करता है कि ये इंफॉर्मेशन ऐसी है कि इसको हमें सेफ़ रखना चाहिए या इसको परमानेंट रखना चाहिए तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको सेव कर देते हैं और फिर हम जब जब हमें दोबारा ज़रूरत होती है तो हम लॉन्ग टर्म मेमोरी से उसको रिट्रीव कर लेते हैं और उसमें परमानेंट सेव करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करते हैं जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट तो ये हमारी जो ब्रेन कैपेसिटी महदूद है लेकिन हम डिफरेंट प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए हम लैंग्वेज के इस करेक्टर क्रिएटिविटी की वजह से उसमें बहुत सी कैटेगरीज़ बना सकते हैं और उनको अपने माइंड में ब्रेन में सेव कर सकते हैं ये लिंग्विस्टिक की क्रिएटिव प्रॉपर्टी की वजह से पॉसिबल होता है